वर्किंग ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर ये जो थ्योरी है ये तब आया था, ये कॉन्सेप्ट तब आया था जब इकोनॉमी में रिसेशन चल रहा था। व्हाट डू यू मीन बाय रिसेशन इज कि जब हमारा प्रोडक्शन होता है वो तो हो गया लेकिन जो पीपल है उनको खरीदने को एग्री नहीं करे क्योंकि उनकी परचेसिंग पावर इतनी नहीं है। तो इससे हम क्या मानेंगे, अगर बाई चांस में प्रोडक्शन मैंने कर दिया है और लोग खरीद भी रहे तो मैं क्या और प्रोडक्शन करूंगा, मैं नहीं करूंगा प्रोडक्शन। सो प्रोडक्शन नहीं होगा मीन्स इन्वेस्टमेंट नहीं होगी, इन्वेस्टमेंट नहीं होगी मतलब लोगों को एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलेगा, मैं उनको पे नहीं करूंगा तो लोगों को एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलेगा, उनको पैसा नहीं मिलेगा, वो कंजम्पशन नहीं कर पाएंगे। तो इस पूरी थ्योरी में जितने भी कंपोनेंट्स हैं इनको मिलाकर हमें पता लिया कि जो इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट में जो इंक्रीज आता है वो लोगों के कंजम्पशन और कंजम्पशन से इनकम कैसे इंक्रीज करता है, कैसे चेंज आता है। तो इसीलिए जो हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे मेन फॉर्मूला वो हमारा ये होगा, लेकिन उसको समझने के लिए हम एक पूरा टेबल बनाएंगे। ये इज द इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा इन्वेस्टमेंट। डेल्टा इन्वेस्टमेंट आपकी एडिशनल इन्वेस्टमेंट है, मीन जो बिल्कुल स्टार्टिंग में आपने इन्वेस्टमेंट की थी उसका हम डेल्टा इन्वेस्टमेंट यहाँ से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। डेल्टा वाई इज चेंज इन इनकम। इसको कंटिन्यू करने से पहले सबसे इम्पोर्टेंट चीज हमको समझनी है, इस कॉन्सेप्ट में हम मानेंगे कि अगर एक आदमी की इनकम हो रही है मीन्स एक आदमी इन्वेस्टमेंट कर रहा है या फिर कंजम्पशन कर रहा है तो दूसरे आदमी को उससे क्या होगी, इनकम। फॉर एग्जाम्पल इफ आई बॉट समथिंग, मैंने 100 रुपए का कुछ खरीदा तो मेरा कंजम्पशन हुआ लेकिन जिससे खरीदा उसकी 100 रुपए की इनकम हो। तो इससे पहले लेट्स अज्यूम बाय चांस मैं प्रोड्यूसर हूं और मैं इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट, अगर मैं इन्वेस्टमेंट में इंक्रीज करता हूं, ये सब करोड़ में फिगर है, बाय चांस 100 करोड़ में मैं इन्वेस्टमेंट में इंक्रीज करता हूं, अब मैंने इन्वेस्टमेंट की तो मेरी इनकम कितनी हो गई, इस मूवमेंट पे इंक्रीज इन इनकम मेरी 100 हो गई। अब इसमें से लेट्स अज्यूम एमपीसी दैट इज मार्जिनल प्रोफिशिएंसी ऑफ कंजम्पशन 0.90, मतलब आउट ऑफ टोटल इनकम जो मेरे पास अभी है उसमें से मैं 0.90 तो यूज करूंगा, कंज्यूम करूंगा और जो बच गया वो क्या होगा, सेव होगा, मतलब 0.10 मैं क्या करूंगा, सेव। तो अगर मैं देखूं यहाँ मेरी इनकम 100 है तो फिर मैंने कंज्यूम कितना किया होगा 90 और मैंने सेव कितना किया होगा 10। अब नेक्स्ट राउंड बाई चांस से मैंने इन्वेस्टमेंट किए, मैंने इनकम किया, ये जो कंजम्पशन किया ये मेरा कंजम्पशन है लेकिन जिसको मैंने पैसे दिए उसकी इनकम हो गई, उसकी इनकम कितनी हुई 90 करोड़। अब वो उसका भी क्या करेगा, कंजम्पशन करेगा। तो सबसे पहले तो सेकंड राउंड में हमारी फर्स्ट राउंड में ये हुआ, सेकंड राउंड में 90 करोड़ की इनकम प्रोड्यूस हो गई। अब अगेन वही वाला फॉर्मूला हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे 81 और जो इससे बच गया 9, ऐसे हमारा ये आगे चलता जाएगा। अब बाई चांस लेट्स अज्यूम मैं चाहता हूँ ये जो प्रोसेस है तब तक चले जब तक इनकम हमारी 100,000 करोड़ जनरेट हो, तो आप मेरे को ये पूरा टेबल ना बनाना पड़ेगा, मेरे को ये पूरा टेबल मतलब ये जो हमने समझ गया इस टॉपिक को इसको मेरे को पूरा रिमाइंड करके ना देखना पड़ेगा। इसमें हमारे पास एक सिंपल फॉर्मूला आया है जिसमें हम जो हमारे टोटल है, यहाँ पर ये कैसे पता चलेगा कि ये 1000 ही होगा, ये तो हमको श्योर नहीं है ना। हाँ ये तो मान लो किसी बुक में दिया है तो हमने यहाँ लिख लिया लेकिन हमको हम यहाँ नहीं लिख रहे हैं, आप इसको निकालना है, निकाल के देखना पड़ेगा ना हमको। यस सॉरी कोई बात, हमारा के है हमारा जो के होता है मनी मल्टीप्लायर, इसको हम किससे निकालते हैं, एमपीसी और एमपीएस के बीच 1/1 माइनस एमपीसी दैट इज इक्वल टू 1 माइनस एमपीएस। तो इससे हम के की वैल्यू निकाल सकते हैं, के की वैल्यू निकाल सकते हैं, हमारे पास एडिशनल इन्वेस्टमेंट हो जाएगा, उसके बाद हमको पता चलेगा कि टोटल हमारे पास कितनी इनकम जनरेट हो सकती है इस एडिशनल इन्वेस्टमेंट। तो अगर क्योंकि हमारे पास इस पॉइंट पे 0.90 है तो हमारी के की डायरेक्ट वैल्यू क्या आ गई 1.0.10 दैट इज 100 मीन्स 10, हमारा मल्टीप्लायर कितना हो गया 10, मतलब कि हमारे जो राउंड चलेंगे टोटल वो होंगे 10 और इन्वेस्टमेंट 100 है तो हमारी जो टोटल इनकम जनरेट होगी वो होगी 1000। तो इससे हमको पता चलता है इसको कैसे निकाले आप सर, के इज इक्वल टू फाइंड करके दिखाना पड़ेगा। तो अगर किसी भी कॉलोनी में ऐसी कंडीशन है तो हम ऐसे निकाल सकते हैं कि टोटल इनकम कितनी जनरेट होगी। चलो वेरी गुड, यू जॉइंड अप अप्लॉज फॉर निखिल।
एंड आई विल लाइक टू सी दैट एवरीबडी शुड प्रिपेयर लाइक हिम विद अ शॉर्ट नोटिस विदाउट एनी प्रिपरेशन ही जस्ट केम हियर इन द क्लास एंड आई कॉल्ड हिम टू जस्ट गिव दिस प्रेजेंटेशन आई होप दैट एवरीबडी विल फॉलो ओके वेरी गुड बेटा थैंक यू